इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए पहले हमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है वो देखना होगा। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और वो डिफाइंड है ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे और ऑर्डर है एन क्रॉस एन, तो जो मैट्रिक्स है ए ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू ए ऑफ वन एन ए ऑफ टू वन ए ऑफ टू टू ए ऑफ टू थ्री अप टू ए ऑफ टू एन ए ऑफ थ्री वन ए ऑफ थ्री टू ए ऑफ थ्री थ्री अप टू ए ऑफ थ्री एन एंड ये एन रोज तक जाएगा क्योंकि एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। तो ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री अप टू ए एन एन ये आ गया, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करते हैं ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स लाई करते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल जो होता है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ट्रेस क्या होता है तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये डिफाइन करना है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये जितने भी सम होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टी आर ऑफ ए सी। अगर हम देखें तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए तो ये कितना होगा ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री अप टू प्लस ए एन एन, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे हो गए, इनका समेशन है प्रिंसिपल ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं है बट हमें ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा ध्यान रखनी होंगी। ये थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं और ये थ्री प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर है हमारे पास एन क्रॉस एन एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स बी आई जे और इसका ऑर्डर भी एन क्रॉस एन है एंड लैम्डा इज़ अ स्केलर तो अगर ये हमने डिफाइन किया हुआ है तो अब हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं दोनों को ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, तो अगर ए बी और बी ए दोनों हम फाइंड कर सकते हैं दोनों वैलिड हैं तो दोनों का जो ट्रेस है वो इक्वल होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के लिए पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में देखा, फिर देखा कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू ए वन वन प्लस ए टू टू अप टू ए एन एन। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ के लिए पहले एक मैट्रिक्स ए डिफाइन किया, फिर मैट्रिक्स बी और एक लैम्डा इज अ स्केलर, और फिर हमने प्रॉपर्टी देखा कि ट्रेस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी एंड ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मोर देन वन मैट्रिसेस हो मोर देन टू मैट्रिसेस हो तो उसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं।